सारी सुविधाओं से लैस नियाज अहमद हॉस्पिटल। कैसा डायलिसिस किया जाता है? बहुत अच्छा है, एक नंबर, एकदम मस्त, और सब चीज़ सही है, सब स्टाफ भी सही है, बहुत बढ़िया है और फ्री है, कुछ भी नहीं, कोई चार्ज लगता है, इंजेक्शन ब्लड वलड बढ़ाने का सब फ्री, कोई चार्ज नहीं, सब बढ़िया है। कितने दिनों से डायलिसिस के लिए आ रहे हैं? अभी मैं 2 साल से आ रहा हूँ। किस तरीके से इलाज किया जा रहा है? अच्छा हो रहा है और फ्री हो रहा है और सब स्टॉप भी अच्छा है और सब अच्छे से होता है। जो इलाज फ्री हो रहा है इसके लिए क्या आप शुक्रिया अदा करेंगे अबू आसिम आजमी साहब का? अबू आदमी साहब को बोलेंगे क्या, बहुत अच्छा हुआ हमारे लिए, गरीब लोगों के लिए जो किए, बस यही कहें। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आसिफ। कितने दिनों से आ रहे हैं? 3 महीने से आ रहा हूँ मैं। कैसा इलाज हो रहा है? बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है और सब स्टाफ वाले बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं और इसके लिए अबू आसिम सर का बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है? सादिका। क्या रोग है, क्या किस लिए आई है? मेरा बीपी लो हो गया था, बुखार चढ़ती है इसलिए। जो इलाज हो रहा है क्या चार्जेस लगा है आपका? पहले 100 रुपीज़ ग्लूकोज का और दवा के पैसे। इलाज यहाँ कैसा हो? अच्छा। मुंबई गोवंडी के शिवाजी नगर में स्थित नियाज अहमद हॉस्पिटल का एक नाम है, जहां मरीजों का इलाज बहुत ही कम पैसों में किया जाता है। इस हॉस्पिटल में सारी सुविधाएं हैं, अनुभवी डॉक्टर्स की टीम मरीजों का उचित इलाज करती हैं। यहां तक कि डायलिसिस जैसी सुविधा यहां मुफ्त में होती है। इस हॉस्पिटल का निर्माण मान खुर्द शिवाजी नगर के सपा विधायक अबू आसिम आजमी ने की। यह दर्शाता है कि अबू आसिम आजमी ने अपने 15 वर्षों के कार्यकाल में जनहित कार्य किया है। देखिए एक रिपोर्ट। मुंबई गोवंडी के शिवाजी नगर स्थित रफीक नगर में है, जहां आप देख सकते हैं यहां हाजी नियाज अहमद माइनॉरिटी एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट है। यानी हम आपको बताना चाहेंगे अबू हासिम आजमी जो कि लगभग 15 वर्षों से इस क्षेत्र के समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, उनके सौजन्य से इस अस्पताल का निर्माण हुआ था, जहां कई लोग यानी सैकड़ों की संख्या में लोग आते हैं और कई चीज़ें यहाँ मुफ्त तरीके से कहा जा सकता है, चाहे वो डायलिसिस की बात की जाए, चाहे मेडिकल सुविधा हो या दवाइयाँ हो, ये सारी सुविधाएँ लोगों को मिला करती है इस रफीक नगर इलाके में स्थित इस हॉस्पिटल में। वहीं हम आपको बताना चाहेंगे करीब कई वर्षों से ये हॉस्पिटल यहाँ है, जिसके ओनर कहे जा सकते हैं स्वयं अबू आसिम आजमी साहब, जिनके सौजन्य से इस अस्पताल का निर्माण हुआ। आज 2024 के चुनाव में एक बार फिर अबू आसिम आजमी साहब समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं आज जो स्थिति हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये तमाम मरीजों की का तादाद यहाँ देखने को मिलता है, जो कि प्रायः रोज़ ही यह देखने को मिलता है, जहाँ कई मशीनें हैं, अति आधुनिक मशीनों से लैस ये अस्पताल, जिसके संचालक के तौर पर स्वयं अबू आसिम आजमी विधायक हैं, आज हम ये नज़ारा दिखा रहे हैं। यहाँ मैं कहूँगा कैमरामैन से कि एक एक चीज़ें जो कि यहाँ सुविधा लैस कहा जा सकता है ये हॉस्पिटल, आज एक एक चीज़ों को बारीकी से हम दिखा रहे हैं कि क्या कुछ किया है अबू आसिम आजमी साहब ने। नियाज अहमद हॉस्पिटल स्थित एक्सरे रूम, जहाँ हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से मरीजों का एक्सरे किया जाता है अति आधुनिक मशीनों के द्वारा। सोनोग्राफी मशीन, जो कि अति आधुनिक मशीन कहा जाता है, लैस, सारी सुविधाओं से लैस, बिल्कुल कम बजट में ये सुविधाएं प्रदान की जाती है नियाज अहमद हॉस्पिटल के द्वारा। अस्पताल में बेड की व्यवस्था की जाती है, जो कि मरीज चाहे टाइफाइड, मलेरिया ऐसे रोगों से ग्रसित रहते हैं, उन्हें एडमिट कर उचित इलाज प्रदान किया जाता है। जी नियाज अहमद हॉस्पिटल का ये डायलिसिस सेंटर का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं, बाहरी नज़ारा, हालांकि भीतर ये डायलिसिस सेंटर का एक नज़ारा है जहां लोग किया जा रहा है। जी नियाज अहमद ट्रस्ट के तरफ से लोगों का डायलिसिस हो रहा है, तमाम यहाँ मरीज दिखाई दे रहे हैं जिनका
डायलिसिस किया जा रहा है। नियाज अहमद अस्पताल का ये अंदर का डायलिसिस का नज़ारा है जहाँ तमाम मरीजों का डायलिसिस किया जा रहा है। क्या नाम है? मोहसिन अंसारी। यहाँ आप किस पद पे? जी डायलिसिस डायलिसिस टेक्नीशियन हूँ मैं। यहाँ पर लगभग कितने मरीजों का डायलिसिस होता है? लगभग यहाँ तकरीबन 40 पेशेंट का डायलिसिस रोज़ होता है, मगर दिवाली का त्यौहार था हमारे इधर फ्राइडे, तो इस कुछ पेशेंट का खाना पीना ज़्यादा हो जाता है, इस वजह से हमने एक शिफ्ट अबू आसिम आज़मी सर के कहने पर बढ़ाई, 4 की जगह 5 शिफ्ट थी सैटरडे के दिन। उस दिन हमने 50 पेशेंट का डायलिसिस किया था। डायलिसिस की बात की जाए तो एक महंगी व्यवस्था होती है, लेकिन आपके यहाँ क्या चार्जेस लिया जाए? सर फ्री ऑफ कॉस्ट डायलिसिस अगर योजना में होता है महात्मा ज्योतिबा फुले योजना में तो भी फ्री है, अगर योजना में नहीं है तो भी फ्री है। जैसे हमारे पास बहुत से पेशेंट फ्री में डायलिसिस ले रहे हैं, अभी जैसे एक पेशेंट है आसिफ, उनका योजना में नहीं है 3 महीने से, मगर सारा डायलिसिस खर्चा आसिम सर अपने पास से ही उठा रहे हैं, यहाँ तक कि हर एक चीज़ इंजेक्शन हो गया, डायलिसिस हो गया, हर एक इक्विपमेंट का सामान। जैसे कुछ इंजेक्शन हमारे पास हैं जो उनको फ्री में दिए जाते हैं, सब जगह डायलिसिस उतना फ्री में नहीं मिलता है या इंजेक्शन फ्री में नहीं मिलते। जैसे हमारे पास इंजेक्शन है एक एरिथ्रोपोटीन इंजेक्शन, ये 1300 रुपये का एक आता है, हॉस्पिटल में फ्री में नहीं दिया जाता, हम इसको हफ्ते में 3 डायलिसिस होता है तो तीनों डायलिसिस में फ्री देते हैं। और जैसे आयरन का इंजेक्शन हो गया, हिपेरिन का इंजेक्शन हो गया, और ऐसा नहीं कि बहुत लोकल क्वालिटी के इंजेक्शन है, ये सारे इंजेक्शन सस्ते भी मिलते हैं और महंगे भी मिलते हैं, हमारे पास सारे अच्छे क्वालिटी के इंजेक्शन है। क्लासिम अबू आसिम आज़मी सर का कहना है कि क्वालिटी से किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा, भले से वो चीज़ डबल रेट में मिल रही है या ट्रिपल रेट में मिल रही है, हम डायलिसिस अच्छे से अच्छा देंगे, क्योंकि वही पेशेंट की ज़िंदगी, अगर उसको ही हम ख़राब कर देंगे, उसकी क्वालिटी गिरा देंगे, पेशेंट की लाइफ कहीं ज़्यादा कम हो जाएगी। जैसे डायलिसिस में सर कोई भी तरह का कमी नहीं होती है। कैसा डायलिसिस किया जाता है? बहुत अच्छा है, एक नंबर, एकदम मस्त, और सब चीज़ सही है, सब स्टाफ भी सही है, बहुत बढ़िया है और फ्री है, कुछ भी नहीं, कोई चार्ज लगता है, इंजेक्शन ब्लड बढ़ाने का सब फ्री है, कोई चार्ज नहीं, सब बढ़िया है। कितने दिनों से डायलिसिस के लिए आ रहे हैं? अभी मैं 2 साल से आ रहा हूँ। किस तरीके से इलाज किया जा रहा है? अच्छा हो रहा है और फ्री हो रहा है और सब स्टॉप भी अच्छा है और सब अच्छे से होता है। जो इलाज फ्री हो रहा है इसके लिए क्या आप शुक्रिया अदा करेंगे अबू आसिम आज़मी साहब का? अबू आज़मी साहब को बोलेंगे कि बहुत अच्छा हुआ हमारे लिए, गरीब लोगों के लिए, जो कि हो बस यही कहें। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आसिफ। कितने दिनों से आ रहे हैं? 3 महीने से आ रहा हूँ मैं। कैसा इलाज हो रहा है? बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, और सब स्टाफ वाले बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं, और इसके लिए अबू आसिम सर का बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है? सादिका। क्या रोग है, क्या किस लिए आई है? मेरा बीपी लो हो गया था, बुखार चढ़ती है इसलिए। जो इलाज हो रहा है क्या चार्जेस लगा है आपका? पहले 100 रुपीज ग्लूकोज का और दवा के पैसे। इलाज यहाँ कैसा हो? अच्छा। एमडी रशीद। क्या रोग है आप? कमजोरी है बहुत शरीर में, इसलिए पानी आए चढ़ाने के लिए। यहाँ जो एडमिट हुए हैं तो क्या चार्जेस लगाए आपको? क्या ज़्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपये लिए हैं। 100 रुपये? मैडम क्या नाम है? डॉक्टर सना। आप कितने सालों से यहाँ कार्यरत? 2 साल से। लगभग कितने मरीज यहाँ आते हैं? पूरे दिन को बोला 500-600 आते हैं रोज। चार्ज क्या चार्जेस लगता है यहाँ इलाज कराने? एक दिन की दवा का 10 रुपया। और क्या क्या सुविधाएं हैं इस हॉस्पिटल में? सब है यहाँ पे, ब्लड टेस्ट होता है, एक्सरे होता है, सोनोग्राफी वगैरह होता है, सब कुछ होता है यहाँ पे।